चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप अल्लाह के रहम करम से आप सब खैरियत से होंगे। हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पाइनएप्पल आइसक्रीम की रेसिपी, बहुत ही सिंपल और इजी वे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आइसक्रीम बनाने के लिए मैं ये टिन वाला पाइनएप्पल यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश पाइनएप्पल भी यूज कर सकते हैं। ये चार पीसेस पाइनएप्पल लेके मैंने इन्हें बहुत महीन सा चॉप कर लिया, एकदम फाइन। ये देखिए, ये एक कप के करीब है। आपको अगर ज्यादा पाइनएप्पल पसंद है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन आइसक्रीम में बहुत ही कम चंक्स आते हैं बस पाइनएप्पल के। उसके बाद हम ये चार एग ले रहे हैं। एक एक एग को तोड़ के हम एक बाउल में डालेंगे। आप कभी भी एग को एक साथ नहीं तोड़िए, वरना अगर एक भी अंडा आपका खराब होगा तो आपके सारे एग्स खराब हो जाएंगे। तो एक एक को अलग तोड़ के उसके बाद आप उस बाउल में मिलाएं तो ज़्यादा बेटर होता है। ये चार एग मैंने लिए हैं योक और वाइट के साथ। अब इसको एक बाउल में डाल के हम इसको अच्छी तरीके से बीट करेंगे, जैसे हम केक के लिए बीट करते हैं। पहले थोड़ा स्लो स्पीड पे बीट करेंगे, बाद में 5 मिनट के बाद हम इसकी स्पीड को बढ़ा के उस पर बीट करेंगे। जब एग का थोड़ा सा फोमी टेक्सचर आ जाएगा तब हम इसमें 4 टेबल स्पून कैस्टर शुगर ऐड कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा मीठा कर सकते हैं, लेकिन आइसक्रीम बहुत ज़्यादा मीठी अच्छी नहीं लगती है। और 2 ड्रॉप वेनिला एसेंस इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद इसको फिर से बीट करेंगे, इतना बीट करेंगे कि अच्छा सा फोम बन जाए, एकदम क्रीमी टेक्सचर आ जाए इसका। मैंने कप कुल्फी की भी रेसिपी अपलोड करी है, आप उसे भी देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये एग का मिक्सचर ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल साइज में हो जाना चाहिए, तब तक हम इसकी बीटिंग करेंगे। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप विस से भी या फोक से भी इसको बीट कर सकते हैं। ये एग हमारा बीट हो गया। अब हम ये 200 ml व्हिपिंग क्रीम ले रहे हैं। व्हिपिंग क्रीम को भी हम उसी तरह से बीट करेंगे जैसे हम केक के लिए बीट करते हैं। व्हिपिंग क्रीम हमेशा आपको चिल्ड लेनी है, अगर आप उसको ज़रा से भी गर्म टेम्परेचर पे बीट करेंगे तो वो फट जाएगी। तो व्हिपिंग क्रीम को बीट करने के लिए आप बीट करने से पहले उसको 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें, और बेस्ट ये है कि आप नीचे एक बाउल में आइस वाटर ले लीजिए या आइस ले लीजिए, उसके ऊपर बाउल रख के फिर उसमें आप बीट करेंगे तो कभी भी आपकी क्रीम ख़राब नहीं होगी और बहुत ही अच्छी फ्लफ़ी बीट होगी। क्रीम को भी आप पहले स्लो स्पीड पे बीट करेंगे, उसके बाद आप इसकी स्पीड हाई कर देंगे। उसके बाद इसमें 3 टेबल स्पून आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप नॉर्मल शुगर को पीस के वो भी यूज़ कर सकते हैं। शुगर डाल के इसको फिर से अच्छे से बीट करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये एकदम थिक होने लगी, इसमें रिबन फॉर्म होने लगा। बस थोड़ी सी हमें और इसे बीट करनी है। ये देखिए, ये क्रीम भी हमारी बीट हो गई, कितनी थिक है, एकदम गिर नहीं रही है। बस इस स्टेज पे इसे स्टॉप कर देंगे। अगर आप और ज़्यादा इसे बीट करेंगे तो ये फौरन ही ख़राब हो जाएगी। सिंपल सी रेसिपी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप देखेंगे कि आपको एकदम बाहर वाली आइसक्रीम का टेस्ट लगेगा, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं लगेगा। बाहर से आइसक्रीम ला के खाने से अच्छा है कि इस तरह से हम घर पे बना के खाएं तो बहुत ही हेल्दी रहती है। वैसे भी होममेड इज़ द बेस्ट। ये देखिए, ये एग हमने बीट कर लिया अच्छे से। अब जो क्रीम बीट करी थी इसको इस एग में मिक्स कर देंगे। देखिए कितनी अच्छी थिक एकदम है। ये सारी 200 ग्राम क्रीम इस एग में डाल देंगे। फिर हम इन दोनों चीज़ों को इस तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा बीट करके, फोल्ड करके, जैसे हम
केक को फोल्ड करते हैं उसी तरह से। इस स्टेज पे हम हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हमारी आइसक्रीम खराब हो जाएगी, हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो रिजल्ट हमें चाहिए। ये देखिए क्रीम और एग दोनों मिक्स हो गए। अब जो पाइनएप्पल हमने चॉप करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। पाइनएप्पल डाल के इसको फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर थोड़े से ड्राई फ्रूट जो बहुत ही फाइन चॉप करके रखा था, उसमें बादाम, पिस्ता, काजू था, उसको इसमें ऐड करेंगे। फिर से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई। अब ये फ्रीज करने के लिए रेडी है। इसको आप एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज करेंगे, वरना फिर क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे। ये मैंने बॉक्स लिया है, ये एयर टाइट है, इसमें ये सारा मिक्सचर डाल देते हैं। आप चाहें तो ऊपर से भी ड्राई फ्रूट्स और पाइनएप्पल चंक्स डाल सकते हैं, लेकिन जो आइसक्रीम होती है मार्केट में उसमें अंदर ही होते हैं, ऊपर से कोई गार्निश करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने इसे ऐसे ही रखा है। अब इसकी लिड लगा के एकदम एयर टाइट करके इसको हम फ्रीज़र में रख देते हैं कम से कम 4-5 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए। और ये देखिए ये हमारी आइसक्रीम रेडी हो गई, पाइनएप्पल आइसक्रीम। सिंपल लेकिन बहुत ही यम्मी। आप इसे एक बार अगर ट्राई कर लेंगे तो आप मार्केट से आइसक्रीम लाना बंद कर देंगे। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं आपको इसे अभी सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितना इजीली निकल रही है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुई है। थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर देते हैं ताकि लुक भी अच्छा हो जाए और खाने में भी टेस्ट डबल हो जाए। ये यम्मी सी पाइनएप्पल आइसक्रीम रेडी हो गई आपके टेस्ट करने के लिए। आप इसे टेस्ट करिए और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अगर मेरी ये आइसक्रीम की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे औरों के साथ शेयर करिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको हर मुसीबत, हर परेशानी, हर बीमारी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।